और मेरे YouTube चैनल एक्सप्लोर इंडिया विद वेस्ट इंडिया आपका स्वागत है दोस्तों। आज का ब्लॉग शुरू करते हैं और आज हैं हम यहाँ मुंबई में और मुंबई में जा रहे हैं बनारसा बीच। बने रहिए इस वीडियो के साथ और दिखाते हैं आपको बनारसा बीच। ये बीच पे जो है वो आप देख रहे होंगे कि खाने पीने की भी लोगों ने चीज़ें रखी हुई हैं और अमन लोग यहाँ पर बच्चों को लेके एंजॉय के लिए आते हैं। बीच में चलते हुए थोड़ा सा आगे की तरफ निकलते हैं और ये धीरे धीरे पानी जैसे जैसे सूरज ढलेगा वैसे वैसे पानी जो है और नज़दीक किनारों पे आएगा। ये बढ़ता हुआ we
दोस्तों अभी हम हड़प्पा बीच में हैं और समुद्र की लहरों का आनंद ले रहे हैं। और भी लहरें जो हैं कम करती हुई और धीरे धीरे पानी आगे की तरफ बढ़ रहा है और बहुत ही सुंदर नज़ारा यहाँ से नज़र आ रहा है। ठंडी ठंडी हवा और दूर दूर तक नज़र घुमाओ तो बिल्कुल ही रेता जानो रेत पानी भी जो है वो धीरे धीरे बढ़ रहा है। तो पलाने जब रेत धसे होने पता मैडम भी साथ में बैठी हुई हैं। हम दोनों जो हैं वो यहाँ हड़प्पा बीच में हैं। तो मैडम कैसा लग रहा है? बहुत अच्छा लग रहा है मुझे। आवाज़ कम आ रही है? आवाज़ कम नहीं, मैं हम तो बहुत बार आ चुकी हूँ मैं तो इसमें। अच्छा, तो क्या लगा यहाँ आके? अच्छा लगता है यहाँ आके। क्यों आते हो? यहाँ पे मज़े लेते हैं यहाँ पे। अच्छा, पानी का पानी की और समुद्र को देख के बहुत अच्छा लगता है। अच्छा, समुद्र में जाके थोड़ा सा ज़्यादा आगे तो नहीं जाया जाता लेकिन जितना भी जाया जाता है वो तो अच्छा लगता है। अब जाइए बच्चा जो है पानी का आनंद ले रहा है समुद्र के बीच का। ये और एक दूसरी लहर ये आई और फिर बढ़ रही है, फिर बढ़ रही है। और ये ऐसा लग रहा है जैसे कि रेत जो है नीचे धस रही है, नीचे धस रही है ऐसे लग रहा है। धीरे धीरे पानी बढ़ता है ना ये। और आगे तक आ गई है। और यह हड़प्पा बीच का नज़ारा, बहुत ही सुंदर दृश्य यहाँ से नज़र आ रहा है। शाम को जब सूरज ढलता है तो ऐसा लगता है कि सूरज पानी में छुप रहा हो। और अभी हम खड़े हैं यहाँ बीच पे और ऐसा प्रतीत हो रहा है कि जैसे कि पानी से जो है ज़मीन धस रही हो, ऐसा हमें महसूस हो रहा है जब पानी पाँव से टच हो रहा है।